हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में हत्यारों ने उस वक्त एक महिला की कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर डाली, जब मृतक महिला रात में घर से शौच के लिए गांव के बाहर स्थित खेत में गई थी। घटना को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौके से कई साक्ष्य जमा किए। घटना बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव की है, जहां मृतका घर से देर रात शौच के लिए खेत गई थी, मगर फिर वापस नहीं लौटी। परिजनों की काफी तलाशी के बाद मृतका उन्हें गांव के बाहर स्थित एक खेत में मृत अवस्था में मिली। ऐसे ही देखे थे, कपड़े ऊपर थे और ऐसे लंबी लंबी लेटी हुई थी, नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। एक लगभग 52 वर्षीय विधवा महिला है, जिसके पति की 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। बीती रात करीब 7:30-8 बजे के आसपास अपने घर के बगल लगभग 100 मीटर की दूरी पे शौच के लिए कथित रूप से गई थी, और रात को 1 बजे के आसपास उसके बेटे ने डायल 100 को सूचित किया और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तलाश किया गया, तो उसका शव वहीं एक सरसों के खेत में मिला है और गला घोट करके उसकी हत्या की गई है, प्रथम दृष्टया जो प्रतीत होता है। और जिस चीज़ से गला घोटा गया है उसमें उसी के घर का ही एक दुपट्टा है, उसकी छोटी बहन का, जो वादी है उसके छोटी बहन का दुपट्टा है, उसी से गला घोटा गया है। काफ़ी इस संबंध में हम लोगों के पास सुराग प्राप्त हुए हैं, प्रकरण घर से ही जुड़ा हुआ है, तो पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कराई जा रही है, इसके बाद हम इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि हत्या में इस्तेमाल किया गया कपड़ा उसी के घर से लिया गया था, जबकि पुलिस अधिकारियों को शक है कि हत्या में घर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जबकि पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि पुलिस बहुत जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर हत्या के कारणों का खुलासा कर देगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।